नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में। मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं हमारे विकास कुमार वीकेआर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों अभी हम हैं हमारे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में। जैसा कि आपको पता होगा अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर है। आप हमारे बैकग्राउंड में हमारे पीछे पुराना आर्किटेक्चर देख रहे हैं, शायद हज़ारों सालों पुराना हो सकता है, उससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है, बहुत ही पुराना हो सकता है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। शायद हमारे प्रभु श्री राम के ज़माने का ये आर्किटेक्चर हो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे माता कैकेई का घर, जहाँ पे वो रहा करती थी और जहाँ पे वो अपने भरत, अपने पुत्र को राजगद्दी दिलाने के लिए षड्यंत्र रचा करती थी कि हम प्रभु श्री राम को वनवास हो और हमारे बेटे को राजगद्दी हो। तो ऐसा कुछ उनका प्लान रहता था। वो सौतेली थी और जो हमारे प्रभु श्री राम जी कौशल्या के पुत्र थे। तो दोस्तों ये है पुराना आर्किटेक्चर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ी का वो लगाया गया है। आप ऊपर की तरफ देखेंगे लकड़ी इसमें लगी हुई है, अभी भी यह सलामत है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे जो श्री राम प्रभु की माता कैकेई सौतेली माँ थी, वो जहाँ पे रहती थी, हम वो जगह दिखाने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले वो लकड़ी के कारखाने पे ना वो काम चल रहा है, वो एकदम से पता नहीं क्या है कि आवाज़ आ रही है। ये सीढ़ियाँ देख रहे हो आप, तो ये एक एक्चुअली में जब मान के चलो ये रामायण काल की है ये जगह है, जो कि अयोध्या में स्थित है। और ये सीढ़ियाँ बना दी गई, यहाँ तक जाने के लिए सब खंडहर हो गया है। और यहाँ पर घर वर भी हैं, यहाँ पर लोग रहते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे ना नॉइज़ का बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा था। वहाँ नीचे वो लकड़ी का काम चल रहा था। तो अभी देख सकते हैं ये सब पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब देख लेते हैं भाई, यहाँ लोगों ने गंदगी भी मचा रखी है। ऐसा सुनने में आया कि यहाँ पे माता कैकेई रहती थी। क्यों सचिन भाई, लग रहा है यहाँ पे रहती होंगी? ये तो पूरा खंडहर लग रहा है यार, इसमें तो कोई रहने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन उस जमाने में जब वो रहती होंगी तो ये शाही महल होगा। हाँ, इसका जो आर्किटेक्चर देख रहे हो कितना मजबूत है। इसके अंदर जो ईंट लग रही है ना अलग ही लेवल की है यार। अब ये काहे से इनबिल्ड है कुछ पता ही नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ लोगों ने गंदगी कर रखी है यार। ये है अयोध्या नगरी, हमारे प्रभु श्री राम की नगरी। थोड़ा देख के आना, यहाँ वैसे ही नीचे हालत ख़राब हो रही है। तो यहाँ पे जो हम एक चीज़ दिखाते हैं आपको, ये सब खंडहर हो गया है। और एक चीज़ अभी हम आपको दिखाएंगे, वो टावर बना है पीछे, वो उधर से जूम करके दिखाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हो, अबे यार कांटे भी हैं इधर, आराम से ही हो। अब हम लोग इतनी खतरनाक जहाँ पे जा रहे हैं। इसका दीवार का आकार देखो कितना तगड़ा है। अभी तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि दो आदमी इसको ऐसे नहीं पकड़ सकता है। यहीं पे माता कैकेई रहती थी और बताया जाता है कि यहीं पे वो प्लान बनाया करती थी, मतलब अपनी साजिशें रचती थी अपने पुत्र को राजपाट दिलाने के लिए। तो इधर पूरी पुरानी ईंटों का आर्किटेक्चर है। ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद रामायण काल का हो, क्योंकि असली में जो हमारे प्रभु श्री राम जी अयोध्या में रहे आए थे तो यहीं पे रहे थे वो। इस गेट की आकृति देख रहे हो कितना बड़ा गेट रहा होगा, क्योंकि ये जो मिट्टी के चलते दब गया है। अभी हम इसको अगर चाहें तो ऐसे ऐसा छू सकते हैं, बट ये जो गेट देख रहे हैं ना आप, बहुत ज़्यादा नीचाई में रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी वगैरह ढह गई है। इस वजह से ये पूरी तरफ से इस तरीके से हो गया है। यहाँ पे आपको आप यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि कितने पुराने हो सकते हैं। मैं भी अभी इसमें जड़ें प्रवेश कर गई हैं। जड़ों की जो टहनियाँ हैं देख लो कितनी मोटी मोटी हैं, जड़ें जो इसके अंदर समा गई हैं। और जड़ों की वजह से ये दीवारें जो है ना अपनी अपनी जगह छोड़ रही हैं, क्योंकि इसमें पेड़ उगाए हैं। मिट्टी का आंसर रहता है ना, तो वहाँ पर पेड़ उगाते हैं। और लेकिन एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी कि यहाँ पे जो गंदगी मचा रखी है, अगर आप हमारे कैमरे की नज़र पड़ेगी तो सामने जस्ट आपको सरयू नदी दिखाई दे रही है। ये पूरी सरयू नदी है और ये टावर देख सकते हो, ये है वॉच टावर। बेसिकली यहाँ से नज़र बनाए रखने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पे, क्योंकि ऊपर बैठने का सिस्टम बनाया जाता था पहले। अभी क्या है, ये सब गिर गया है। अभी देख रहे हो ये कितना तगड़ा, ये ईंट की दीवार जैसी खड़ी है, इतनी चौड़ी दीवार है। वाकई में महल रहा होगा। अगर इसके ऊपर जाना चाहो तो बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा, कहीं ये गिर जाए, क्योंकि बीच से देख रहे हो। इसमें देखो ना तो कोई सरिया है ना सीमेंट का कोई काम है, तो गिर जाएगा। मैंने सोचा था इसके ऊपर जाएंगे, लेकिन नहीं। वो जो टावर है उसका शेप देख रहे हो कितना तगड़ा बना हुआ है। पुराने ज़माने में कैसे बनाया होगा, अगर मान के चलो अगर ये 200-300 साल भी पुराना है फिर भी कैसे बनाया होगा। लेकिन अयोध्या नगरी हमारे प्रभु श्री राम की नगरी है, और मैं भी हमारे प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि विलुप्त होते जा रही हैं धीरे धीरे। शायद अभी मैं जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शायद आपको देखने को मिल रही है, शायद आने वाले समय में ये सब चीज़ें देखने को ना मिलें। नए तरीके से मंदिर बनाए दिए जा रहे हैं, नए तरीके से पूरा आर्किटेक्चर सेटअप हो रहा है, और यहाँ पे पूरा गंद मचा रखी है। ये बहुत बुरा लगा है सबसे ज़्यादा। और इधर देख लो ये पेड़ देखो कितना तगड़ा पेड़, जड़ों ने इसमें अपना पकड़ बना ली है इन दीवारों में। बहुत ही मतलब एक तरीके से मान के चलो ख़तरनाक है। यहाँ पे अगर गिर जाए बाई चांस तो वो दिक्कत में आ जाए। लेकिन ये पहले की ईंटें लगाई किस में गई थी, मुझे तो लग रहा है मिट्टी में। अगर एक निकालने की कोशिश करें ना तो ऐसे निकलेगी नहीं यार। ओ भाई, एक ईंट नहीं निकाल सकते हो। अब ये कैसे निकल गई, मैं देखो ट्राई कर रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, ये ईंट मैंने निकाल दी। बेसिकली इसमें मसाला नहीं लगा है, मिट्टी लगी है, मिट्टी की जुराई हुई है, मिट्टी से चुनाई हुई है इसकी। हमारे यहाँ जुराई बोलते हैं और वैसे चुनाई होता है, बोला जाता है अगर एक्चुअल भाषा में बोलें तो। काफ़ी पुराना है, लेकिन आप दीवार का शेप देख रहे हो, पता नहीं कितनी तगड़ी दीवार बनाते थे, समझ से परे है। और अगर आप थोड़ा सा चुक जाओगे तो यहाँ तो गंद वैसे ही हो रखी है। चलिए आपको और आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं या फिर बोतल लेके इधर ही चले जाते हैं, मुझे तो ये लग रहा है। और हमारे जस्ट इस साइड में है सरयू नदी, और अभी हम दिखाएंगे और अयोध्या, पुरानी अयोध्या कैसी दिखती थी। और भी घर उस साइड पे हैं, पुराने घर। इधर तो ये सब नए घर बन गए हैं, और पुराने घर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उस साइड पे हैं, अभी वहीं पे चलेंगे। ये है सरयू नदी का तट, और अभी हम चल रहे हैं जो अयोध्या के जो पुराने घर जो बचे हुए वो दिखाएंगे। हमारे साथ चले आइए। आपको एक चीज़ आपको बता देते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है कि नई चीज़ें बनाई जा रही हैं, जो पुरानी धरोहर है उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है, और ना ही उनको बचा के रखा गया है। आपको बता देते हैं, जो सामने आप घर देख पा रहे हैं हमारे बिल्कुल जस्ट, ये जो घर दिख रहे हैं आपको, ये उसी टाइम के हैं। यहाँ पे देखो मंदिर शेप के बहुत सारे मंदिर हैं, और इनकी जो आर्किटेक्चर है उसको आप देख के पहचान सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना पुराने ज़माने का ही लग रहा है। अब मैं भी कितना साल पुराना उतना नहीं मुझे पता है। एक बार इसके ऊपर चलेंगे, देखेंगे इसको बिल्कुल बारीकी से। आ जाइए भाई। तो देख सकते हो अभी इनकी तो हालत बिल्कुल ख़राब है, इसमें कूड़ा करके डाल रखा है पूरा। और इस साइड में देख सकते हो ये पूरा खंडहर है, और इधर भी खंडहर है। ये घर हैं शायद जब हमारे प्रभु श्री राम यहाँ के राजा हुआ करते थे अयोध्या के। तो अभी क्या है, टूरिस्ट लोगों ने इधर कचड़ा वचड़ा फेंक देते हैं, यहाँ के दुकानदार भी वही करते हैं, और यहाँ पे बंदरों ने अपना वास बना लिया है। तो अभी हम अयोध्या नगरी में हैं, उन सभी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे जो पुरानी हैं। देखो नए मंदिर बनाना आसान है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें बनाना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन है। सामने बहुत बड़ा लिखा हुआ है जय सिया राम। अभी देख रहे हो ये घर कितना पुराना सा लग रहा है। यहाँ पे एक नेम प्लेट भी लगी थी, लेकिन वो धूमिल हो गई किसी कारणवश। अब ये क्या है इसके बारे में नहीं पता है। इसके अंदर जाने का मौका मिलता तो हम ज़रूर जाते, क्योंकि एक बार देख लेते हैं। अंदर से लॉक है, इसके अंदर हैंड पंप भी लग रहा है, और मंदिर जैसा है। अब मैं भी आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखा देते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सरयू नदी से पानी, सरयू नदी है बगल में, उधर से पानी लेकर अंदर को लाया जा रहा है। और इस पानी से जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, उधर बिल्कुल कम है मतलब पानी, वहाँ पे नहा सकते हैं। उनकी सुरक्षा हेतु ये मद्द नज़र रखते हुए सुरक्षा के हित से ये सब बनाया गया है। यहाँ पर एक घर दिख रहा है बहुत पुराना, इसके गेट भी लकड़ी के लग रहे हैं। और यहाँ पे भी वही हाल है। अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अब ये भी बंद है क्योंकि गेट इतने पुराने हो गए, खुलेंगे नहीं है। कोशिश तो कर रहे हैं हम लेकिन ये बंद कहाँ से समझ नहीं आ रहा। खुल नहीं रहा है अभी और अंदर से शायद बंद है। इसको एक बार ही पास से दिखाने की कोशिश करेंगे हम। इसमें भी देख रहे ईंट वही उसी स्टाइल में लगी इधर से। बहुत ज़्यादा इसमें गंद सी आ रही है। देख रहे हो कितने पुराने घर हैं, अलग ही लेवल के घर हैं यार। ये तो इसके अंदर जाने का मौका मिलता तो ज़रूर हम आपको दिखाते हैं। अब ये बंद अंदर से किस तरीके से किया। हाँ, ये अंदर से कुंडी लगी है और अंदर से ताला लगा रखा है यहाँ पे। अब इसके भी अंदर नहीं जा पाए। और यहाँ पे देख रहे हो ये भी बंद कर रखा है। यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो, ये कुंडी लगी हुई है, ताला लगे हुए हैं। ये गवर्नमेंट के अंडर में हो या फिर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो सकती है क्योंकि इधर देख लेते हैं। ये अयोध्या है पुराने ज़माने की। जो कुछ बचा हुआ है यहाँ पे अंश में वो दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हो। एक ये घर बचा हुआ है और ये दो चार घर। इधर अगर आप नज़र डालेंगे तो इधर मंदिरों की चोटी नज़र आएंगी आपको पुराने ज़माने की। तो यही सब है यहाँ का और इतना ही बचा है सरयू नदी के तट पे, जो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्रभु श्री राम से अगर प्यार करते हैं तो कृपया हमें फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंस्टा पे अगर फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। यही है अयोध्या नगरी का नज़ारा पुराने ज़माने का, रामायण काल का। मिलेंगे इसकी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक हमारा प्यार भरा नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय श्री।